जादुई पेड़ की छड़ी का जादू। समस्तीपुर गांव में शिवानी नाम की लड़की अपनी फैमिली के साथ रहती थी। शिवानी अब बड़ी हो चुकी थी और उसने अपनी ग्रेजुएशन अच्छे नंबरों के साथ पास की थी और अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती थी, लेकिन उसके माँ बाप को फिक्र थी तो बस इस बात की कि जवान लड़की जल्दी से जल्दी अपने ससुराल पहुँच जाए, तो इससे और अच्छी बात क्या होगी। शिवानी की ग्रेजुएशन हो जाने के बाद शिवानी ने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स सीखना शुरू कर दिया था और यहाँ शिवानी के माता पिता शिवानी के लिए कोई अच्छे लड़के की खोज में थे और फिर उन्हें एक पार्टी का इन्विटेशन आया होता है जहाँ उन्हें उनका रिश्तेदार एक लड़के सुमित से मिलवाने के लिए बुलाते हैं जो शिवानी के साथ का था। पार्टी का दिन आ जाता है और सभी शाम को तैयार हो रहे होते हैं कि तभी शिवानी की माँ शिवानी से कहती है, शिवानी तुम अच्छे से तैयार होना, तुम्हें वहाँ एक बहुत अच्छे लड़के से मिलवाना है जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा और ईमानदार है। उसने अभी कुछ महीने पहले ही अपनी खुद की एक लहंगे की दुकान खोली है। क्या माँ, आपने क्या कहा? इतनी सारी बातें आपको उसके बारे में पता है, लेकिन आपने मुझे एक बार भी बताना सही नहीं समझा। आपने एक बार भी मुझसे मेरी राय नहीं मांगी कि शादी मैं करना चाहती हूँ भी कि नहीं। क्यों माँ, ऐसा क्यों किया आपने? चुप कर पागल लड़की, तू तो हमेशा ही ऐसे ही मना करती रहती है। कभी देखा है किसी लड़की को ये कहते हुए कि हाँ माँ मेरी शादी करा दो? लेकिन माँ मैं तो सच में शादी नहीं करना चाहती, मुझे अभी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है और मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स भी मेरा अभी शुरू ही हुआ है। सुमित एक बहुत अच्छा लड़का है और उसके माँ बाप हमसे कोई दहेज की डिमांड भी नहीं कर रहे, ऐसा लड़का हमें तेरे लिए कहीं नहीं मिल सकता। शिवानी की माँ शिवानी की एक नहीं सुनती और बस दहेज नहीं देना पड़ेगा, इसी बात पर अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता करवाने निकल जाती है। शिवानी की फैमिली तैयार होकर पार्टी में पहुँचती है और वहाँ लड़की की फैमिली से मिलती है। सुमित सभी का बहुत अच्छे से वेलकम करता है और सभी एक जगह बैठ जाते हैं। सुमित के वेलकम करने के अंदाज को देख शिवानी की फैमिली उसको झट पसंद कर लेती है और फिर दोनों फैमिली शिवानी और सुमित को बात करने का एक मौका दे देते हैं। घर वालों के बातों के बीच मुझे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। शिवानी का ध्यान कहीं और होने के कारण वो सुमित की एक भी बात ध्यान से नहीं सुनती और अपने ही ख्यालों में अपने मेकअप आर्टिस्ट और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में सोच रही होती है कि तभी सुमित कहता है, क्या हुआ शिवानी, तुम कहाँ खोई हुई हो? मैंने इतना सब तुमसे कहा लेकिन तुमने मुझे एक भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है शायद मैं तुम्हें पसंद नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ और मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, जिसका कोर्स अभी अभी मैंने शुरू ही किया है, लेकिन माँ है कि मेरा रिश्ता तुमसे करवाना चाहती है। अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो तुम मुझे बता दो। और तुम्हारे कोर्स का क्या? यह कोर्स तो मैं तुम्हें शादी के बाद भी करवा सकता हूँ, और रही बात तुम्हारे पोस्ट ग्रेजुएशन की तो वह तुम ओपन से भी कर सकती हो। सुमित की ये बात सुन शिवानी को भी सुमित पसंद आता है और वो शादी के लिए राजी हो जाती है। शिवानी के राजी हो जाने के बाद सभी एक दूसरे का मुँह मीठा कराते हैं और शादी की डेट फिक्स करवाते हैं। 2 महीने बाद सुमित और शिवानी की शादी की डेट फिक्स होती है और सुमित और शिवानी की शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं। शादी की सारी रस्में हो जाने के बाद शिवानी सुमित से मेकअप आर्टिस्ट कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए कहती है। अब तो शादी की सारी रस्में हो गई और तुम भी दुकान पर काम करने जाने लगे, सारा दिन मैं घर में रहती हूँ, तो क्या अब मैं मेकअप आर्टिस्ट की क्लासेस फिर से शुरू कर लूँ? अरे शिवानी, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम घर के कामों को सीखो और मेरी माँ की मदद भी करवाया करो कामों में। घर के काम मैं सुबह निपटाकर अपनी क्लासेस चली जाया करूँगी। सुमित शिवानी की सारी बातों को घुमा फिरा कर बातें इधर उधर कर देता था, लेकिन उसे क्लासेस जाने के लिए कभी हाँ नहीं करता था। यहाँ सुमित की माँ शिवानी से खूब काम करवाती और उसको चैन की सांस तक ना लेने देती। अगले दिन शिवानी को घर का सामान लेने बाहर जाना होता है और वो घर के सामान लेकर आने के बहाने से अपने मेकअप आर्टिस्ट क्लासेस के तरफ चली जाती है। वहाँ देखती है कि सुमित किसी लड़की के साथ खड़ा होता है और उस लड़की का हाथ पकड़ा होता है। ये सच में सुमित है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। यही कारण है कि वो मुझे क्लास नहीं जाने देता, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी, आखिरकार मेरी शादीशुदा जिंदगी का सवाल है। शिवानी मार्केट से सीधा अपने मायके चली जाती है और मायके जाके अपने घर वालों को सब कुछ बताती है।
लेकिन शिवानी की माँ उसकी बात सुन उसको जोर से एक चांटा लगाती है और कहती है, चुप कर पागल लड़की, तुझे पता भी है तू क्या बोले जा रही है। शादी के बाद लड़कियाँ पराई घर की हो जाती है और वही घर उनका अपना घर होता है, और चाहे कुछ भी हो जाए तू अपना घर छोड़कर यहाँ कभी वापस लौटकर मत आना। शिवानी को कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, किसकी मदद ले। इतना सब कुछ सुनकर उसके खुद के माता पिता उसका साथ नहीं दे रहे थे तो दूसरा कैसे साथ देगा। हे भगवान, तू कौन सी परीक्षा ले रहा है मुझसे? मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो अब मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है? अब तू ही है जो अकेला मेरा साथ दे सकता है और मुझे इस मुसीबत से बचा सकता है। शिवानी ये सब कहते कहते एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वो पेड़ हिलने लगता है। पेड़ को हिलता देख शिवानी डर जाती है, लेकिन तभी उस पेड़ से एक आवाज आती है। डरो मत शिवानी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं सबको सुन सकता हूँ। तुम्हें परेशान देख तुम्हारे सामने आया हूँ। मैं तुम्हारी परेशानियाँ जानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। लोग तुम्हारी बातों पर कभी विश्वास नहीं करेंगे और तुम्हें सुमित के साथ हमेशा घुट घुट कर ही रहना पड़ेगा। यह लो, मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी देता हूँ, यह तुम्हारी बहुत काम आएगी। तुम जो भी इस जादुई छड़ी से विष करोगी यह तुम्हारी हर विष को पूरा करेगी, लेकिन ध्यान रहे यह किसी गलत इंसान के हाथ में ना पड़े। धन्यवाद पेड़ देवता, आपने मुझे समझा और मेरी मदद करी और मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। जादुई पेड़ शिवानी को एक जादुई छड़ी दे देता है और वहाँ से चला जाता है। शिवानी जादुई छड़ी लेकर मार्केट की तरफ जाती है और मार्केट में सबसे अच्छी दुकान देखकर किराए पर ले लेती है और छड़ी हाथ में रखकर विश मांगती है। हे छड़ी, मुझे इस दुकान में सारा पार्लर का सामान चाहिए। शिवानी विश मांगती है और छड़ी तुरंत अपने जादू से दुकान को पूरे पार्लर के सामान से भर देती है। उसमें शिवानी अपने पार्लर का काम शुरू कर देती है और वहीं दूसरी तरफ सुमित और सुमित की फैमिली शिवानी को जगह जगह ढूंढती है, लेकिन शिवानी कहीं नहीं मिलती। पेड़ देवता की सहायता से आज मैंने अपना पार्लर खोल ही लिया, अब मैं इससे खूब कमाऊंगी और गरीबों की मदद करूंगी। शिवानी का पार्लर खूब चलता है और शिवानी उससे खूब पैसा कमाती है और अपने लिए एक घर खरीद लेती है और छड़ी की सहायता से अपने घर का सारा सामान खरीद लेती है। यहाँ सुमित शिवानी को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुँच जाता है और उसे कहता है, यह क्या, यह तुम्हारा घर है और तुम मुझे छोड़कर आ गई? तुमने मुझे एक बार भी बताया नहीं, ऐसा क्यों किया शिवानी तुमने? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुमित की सारी बातें सुन शिवानी सुमित के पास जाती है और सुमित को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है, शक्ल देखो अपनी, इस लायक हो तुम? शादी के बाद तुमने मुझे एक बार मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने नहीं दिया और ना ही पढ़ाई करने दी। मेरी माँ बूढ़ी है और मैं चाहता था कि तुम मेरी माँ का ध्यान रखो, लेकिन तुम तो बिना बताए ही घर से चली गई। मैं तुम्हारे घर की हर एक काम कर रही थी, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं तुमसे अलग हुई। शिवानी सुमित को फिर सब कुछ बताती है कि उसने सुमित को किसी लड़की के साथ देखा जिसका हाथ सुमित ने पकड़ रखा था। ये सब सुन सुमित के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी और उसके पास कोई जवाब नहीं था। सुमित पानी पानी हो गया था। बोलो, अब बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे जैसे मक्कार इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती, फौरन चले जाओ मेरी आंखों के आगे से। शिवानी सुमित को बढ़िया बढ़िया सुनाकर अपने घर से बाहर निकाल देती है और सुमित को अपनी गलती का पछतावा होता है। सुमित शिवानी से माफी मांगकर वहां से चला जाता है और यहां शिवानी आराम से अपनी जिंदगी जीने लगती है और अब वो खूब पैसा कमाने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी कहानी को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर नीचे दिए रेड बटन को दबाएं और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए नई नई इंटरेस्टिंग कहानियाँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। रामपुर गाँव में माही अपनी माँ शिल्पा और पिता केशव लाल के साथ रहती थी। केशव लाल अक्सर काम के सिलसिले में ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहता था। शिल्पा अपनी बेटी माही से बहुत प्यार करती थी, वो उसका बहुत ख्याल रखती थी और उसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिशें भी पूरी किया करती थी। माँ, कल रिया का बर्थडे है और मुझे सिंड्रेला वाला गाउन चाहिए। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए आज ही शाम को मार्केट से सुंदर सा गाउन ले आऊंगी। माही बहुत खुश होती है
और कल की तैयारी करने में लग जाती है। शाम को शिल्पा माही के लिए एक सुंदर सा गाउन ले आती है और कहती है, माही बेटा देखो मुझे ये सुंदर गाउन मिला तो मैं ये तुम्हारे लिए ले आई, देखकर बताओ तुम्हें कैसा लगा। ये तुम बहुत सुंदर है माँ, आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरी हर बात मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती हो, आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। इतना कहकर माही और माही की माँ सो जाते हैं और अगली सुबह माही अपने दोस्त रिया के बर्थडे में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। माँ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल एक परी के जैसी। माही तैयार हो जाती है और फिर वो रिया के बर्थडे के लिए उसके घर की ओर निकल जाती है। माही बर्थडे पार्टी में पहुँचती है, अपनी दोस्त रिया के साथ पार्टी बहुत इंजॉय करती है और बहुत डांस करती है। माही जब शाम को रिया के बर्थडे से घर वापस लौटती है तो वो घर पहुंचकर देखती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और वो बिस्तर पर लेटी हुई होती है। क्या हुआ माँ, आप लेटी क्यों हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हे भगवान, आपको तो बहुत तेज बुखार है, रुको मैं आपके लिए अभी दवाई लेकर आती हूँ। माही जैसे ही बाहर दवाई लेने गई, बारिश हो गई। वो किसी तरह दवाई की दुकान तक पहुँच जाती है और दुकानदार से कुछ दवाइयाँ लेकर घर आ जाती है। माँ ये लो मैं आपके लिए दवाई लेकर आ गई, अब आप जल्दी से ये दवाइयाँ खा लो। शिल्पा उठकर वो दवाई खा लेती है लेकिन दवाई खाने से उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। रात का समय था, बाहर तेज बारिश हो रही थी। माही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो कभी अपनी माँ के पैर दबाती, कभी अपनी माँ का सर दबाती, कभी अपनी माँ की मालिश करती। माँ आपको क्या हो रहा है? अब जल्दी ठीक हो जाओगी ना माँ, आपको कुछ नहीं होगा माँ। बेटी अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो बस किसी तरीके से अपने बाबा को बुला ले। माँ आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी पापा को फोन कर रही हूँ और देखना हम आपको बहुत अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। माही अपने पापा को फोन करती है लेकिन नेटवर्क ना मिलने के कारण केशव लाल को माही की आवाज़ सुनाई नहीं देती। पापा जल्दी से घर आ जाओ, पापा माँ की तबीयत बहुत खराब है, पापा जल्दी आ जाओ, पापा माँ को बचा लो। माही बेटा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं दो दिन बाद ही गांव आ रहा हूँ, अभी मुझे जरूरी काम है तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और फिर फोन कट जाता है। माही अपनी माँ की बिगड़ती हुई हालत को देखकर पड़ोस से मदद मांगने जाती है। अंकल मेरी माँ को बचा लीजिए अंकल, उनकी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज अंकल मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। माही पर तरस खाकर पास से कुछ लोग उसकी मदद के लिए आते हैं और शिल्पा को उठाकर पास के ही एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और शिल्पा की वहीं अस्पताल में मृत्यु हो जाती है और माही अनाथ हो जाती है। माँ आप तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, फिर ऐसे कैसे मुझे अकेला छोड़कर जा सकती हो? उठो ना माँ, उठो ना, वापस आ जाओ ना माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। माही का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि तब तक केशव लाल भी आ जाता है। अपनी पत्नी के बारे में जानकर उसे बहुत दुख होता है और वो माही से लिपट कर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैं ही लापरवाह हूँ जो आज मेरी वजह से शिल्पा इस दुनिया में नहीं रही, अगर मैं वक्त पर यहाँ होता तो आज शायद शिल्पा हमारे बीच होती। रोते हुए केशव लाल अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है। केशव लाल अपना सारा कारोबार छोड़कर अपनी बेटी के साथ गांव में ही रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ओहो पापा खाने में तो नमक ही नहीं है। अभी लाया बेटा। आज आपने फिर से बिना टाई के स्कूल भेज दिया, ऐसे कौन करता है पापा। तभी केशव लाल की बहन सिद्धि वहाँ आती है और अपने भाई को इस तरह घर के कामों को भाग भाग कर करता देख वो कहती है, रहने दो भैया ये सब काम आपके बस की बात नहीं। वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे वरना पीठ पर डंडा बाजे। घर का काम औरतें ही संभाल सकती है, मर्दों के बस का नहीं है। मेरी मानो तो अब दूसरी शादी कर लो। सिद्धि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था लेकिन काम की वजह से मैं उससे प्यार कभी नहीं जता पाया,
काश मैं कुछ पैसों का लालच ना करके अपना ध्यान अपने घर की ओर दिया होता तो मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता, सब कुछ सही होता। मुझे माफ कर देना शिल्पा। होनी को कोई नहीं टाल पाया भैया, जो होना था वो हो गया। भाभी आज हमारे बीच में नहीं है, इसका हम सबको दुख है, लेकिन माही को अभी माँ की प्यार की जरूरत है। अब खुद के लिए ना सही, माही के लिए दोबारा से शादी कर लो। अपनी बहन के बार बार बोलने पर केशव लाल कोमल नाम की विधवा औरत से शादी कर लेता है। कोमल के पहले से ही एक बेटी थी मालती। कोमल घर आते ही माही से बहुत प्यार करती है। वो माही का खाना सोना हर चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। ये देखकर केशव लाल को तसल्ली हो जाती है कि उसने दूसरी शादी करके कोई गलती नहीं की। केशव लाल भी अब धीरे धीरे अपने कारोबार में फिर से ध्यान देने लगता है। माही बेटा, मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम अपना और अपनी माँ का ध्यान रखना, अपनी बड़ी बहन के साथ प्यार से रहना। पापा, मुझे दीदी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। मुझे यहाँ नहीं रहना है पापा, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। तभी कोमल वहाँ आ जाती है। माही बेटा, तुम मुझे अपनी माँ नहीं मानती हो ना, तभी तुम मुझे छोड़कर जाना चाह रही हो। अरे नहीं माँ, मेरी सगी माँ के बाद एक आप ही तो हो जो मेरा इतना ख्याल रखती हो। आप बहुत अच्छी हो माँ। पापा आप जाओ और शहर से मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आना। केशव लाल चला जाता है। इधर ये सब देखकर मालती का पारा सातवें आसमान पर चला जाता है। ये सब क्या है माँ, आप मेरी माँ हो या उस चुड़ैल की? आप मेरी माँ हो लेकिन मुझे प्यार करने की जगह अब चुड़ैल माही की सेवा करने में लगे रहती हो। आखिर चल क्या रहा है माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी आपकी सौतेली बेटी हूँ? अरे पागल शांत हो जा। पागल लड़की, तू अभी तक अपनी माँ को समझ नहीं पाई। ये सब तो बस केशव लाल को बेवकूफ बनाने का तरीका था। मुझे बस केशव लाल का यकीन जीतना था और वो मैंने जीत लिया। अब देख मैं सौतन की बच्ची का क्या हाल करती हूँ। मैं इसे इतना परेशान करूँगी कि ये यहाँ से भाग जाएगी और कहीं जाकर डूब मरेगी। उसके बाद सब कुछ अपना होगा, यानी कि तुम्हारा होगा। वाह माँ, मान गई आपको, आपकी एक्टिंग तो कोई पहचान भी नहीं पाया और अब मुझे यकीन हो गया कि आप मेरी ही माँ हो और चुड़ैल की नहीं। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। तभी से दोनों का अत्याचार शुरू हो जाता है माही पर। माही, ओ माही की बच्ची कहाँ मर गई? जिंदा तो है? अच्छा तो महारानी यहाँ खेल खेल रही है। सुन पापा की परी, खेल वेल छोड़ और घर के कामों में लग जा, समझी? ये कैसी बातें कर रही हो माँ अचानक से, क्या हुआ है? चुड़ैल, तूने मेरी माँ से अपनी बहुत सेवा करवा ली, बहुत खेल खेल ली, अब चल और अब तो हमारी सेवा करेगी, समझ गई? वरना मार मार कर बहुत बुरा हाल कर दूंगी। तू मुझे मारेगी? छूकर तो दिखा। ये मत भूल कि तू किससे बात कर रही है। मैं छोटी हूँ तो क्या, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों की इन बेकार से बातों से डर जाऊंगी। मैं अभी पापा को फोन लगाकर सब सच सच बताती हूँ। माही जैसे ही अपने पापा को फोन मिलाती है, वैसे ही कोमल उसके हाथ से फोन छीन लेती है। लगता है बहुत गर्मी है तेरे अंदर, और वैसे भी पापा की परी कभी पिटी तो होगी नहीं, जो पता हो। चल तेरी पिटाई करती हूँ अभी। मुझे छोड़ दो माँ, मुझे छोड़ दो। आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? देखना जैसे ही मेरे पापा आएंगे वो तुम लोगों को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। तू तब तक जिंदा रहेगी तब तो तू अपने बाप को बता सकेगी और मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगी नहीं। और कोमल उसको फिर से मारने लगती है। तभी मालती उससे कहती है, अरे रुक जाओ माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इस चुड़ैल को मारने से पहले कुछ खाना तो बनवा लो। सुन चुड़ैल, जा और हमारे लिए कुछ खाना बनाकर लेकर आ। अब जाती है कि नहीं या फिर और पिटना है तुझे? माही रोते रोते रसोई में चली जाती है और खूब रोती है। माँ अब कहाँ हो? माँ माँ देखो ना, आपके जाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई। माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ मैं कैसे खाना बनाऊँ? और तो और मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता है। मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँ माँ? ये सौतेली माँ और उसकी दोनों बेटी मुझे मिलकर बहुत मार रही है। ये सब कहते हुए माही रो रही थी। तभी वहाँ उसकी माँ की आत्मा सामने आती है और बोलती है, माही बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई और वक्त से पहले ही तुम्हें छोड़कर मुझे जाना पड़ा। लेकिन बेटा तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम पर और अत्याचार नहीं होने दूंगी।
और तुम पर अत्याचार करने वालों को चुन चुन कर सजा दूंगी। इतना बोलकर माही की माँ एक जादू करती है और माही की सारी चोट एकदम से ठीक कर देती है। बेटा, अब मेरा जाने का वक्त हो रहा है। प्लीज माँ, यही रुक जाओ ना माँ, आप मुझे छोड़कर फिर से मत जाओ ना माँ। माँ, एक बार मैं आपको खो चुकी हूँ, अब मैं आपको दोबारा नहीं खोना चाहती। ये नहीं हो सकता मेरी बच्ची, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कर सकती हूँ। ये लो, ये मेरा जादुई लहंगा है। ये लहंगा एक साई की तरह तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी सहायता करेगा। और तो और, तुम इस लहंगे से जो भी कहोगी वो सब सच हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, मैं फिर तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। इतना बोलकर माही की माँ की आत्मा वहाँ से चली जाती है। तभी माही जादुई लाल लहंगे से कहती है, हे जादुई लाल लहंगे, मेरी सौतेली माँ और बहन के लिए खाना बना दो। तभी उसके सामने बहुत सारे पकवान बनकर आ जाते हैं। ये लो माँ, खाना खा लो। अरे वाह, देखो तो, इस चुड़ैल को तो इतना सब कुछ बनाना आता है, इसके बाद भी इतने नखरे कर रही थी। चलो अब जल्दी से खाना खा लेते हैं, और चुड़ैल अब तो जाओ यहाँ से। माही वहाँ से चली जाती है। तभी दोनों माँ बेटी खाना खाने लगते हैं। अरे ओह, ये क्या हो रहा है, मेरे पेट में जलन हो रही है और मुँह में भी क्या हो रहा है। उफ माँ, ये क्या हो रहा है, माँ मुझे बचा लो, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पता नहीं चुड़ैल ने हमें क्या बनाकर खिला दिया। आह, मैं वॉशरूम से आती हूँ। कुछ देर तक दोनों ही माँ बेटी ऐसे ही परेशान रहती है। इधर माही अपने जादुई लहंगे से स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खा रही थी। थोड़ी देर बाद जब मालती टीवी देख रही थी, तभी जादुई लहंगा पीछे से मालती को थप्पड़ ही थप्पड़ मारता है। कौन है, सामने आओ, कौन है, कौन मार रहा है मुझे, माँ बचाओ मुझे, कोई जोर जोर से मुझे थप्पड़ मार रहा है माँ। जादुई लाल लहंगा दोनों माँ बेटी की जमकर धुलाई करता है। फिर दोनों माँ बेटी एक कोने में बैठ जाते हैं। तभी उसके पिता वहाँ आते हैं। अरे, यह क्या हालत बना रखी है तुमने, घर की और खुद की, यह तुम्हारे बाल कैसे हो रहे हैं, यह सब क्या है। जैसी करनी वैसी भरनी। कोमल, यह सब क्या है, दिमाग तो ठीक है तुम दोनों का, मुझे पागल सी लग रही हो तुम दोनों। जैसी करनी वैसी भरनी। तभी माही जादुई लहंगे के साथ में आती है और शिल्पा की आत्मा भी वहाँ आती है और वो सारी कोमल की सच्चाई बताती है। ये सब सुनकर केशव लाल कहता है, मुझे माफ कर दो शिल्पा, तुम्हारी और तुम्हारी बेटी दोनों का ही सही से ख्याल नहीं रख पाया और मेरी वजह से तुम दोनों को तकलीफ पहुँची, मुझे माफ कर दो। आपकी कोई गलती नहीं है जी, वो हमारी किस्मत ही खराब थी। खैर, मैंने इन दोनों को मार पीट कर यूं सबक सिखा दिया है, ये दोनों माँ बेटी पागल हो चुकी है। और हाँ, अब आपको माही के लिए ज्यादा ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ये जादुई लाल लहंगा घर का सारा काम कर दिया करेगा, वो भी मेरी तरह। इतना बोलकर शिल्पा की आत्मा वहाँ से चली जाती है और दोनों बाप बेटी उस जादुई लाल लहंगे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन को अभी दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ जल्द ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।